बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये संडे की शाम रात की वीडियो है। ठीक है, जहाँ से मैंने पिछले ब्लॉग की वीडियो एंड की थी वहीं से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। ठीक है, तो शाम के टाइम नाश्ता पानी सब चल रहा है गाइस। कल नाश्ता पानी चल रहा था वहाँ तक मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट मतलब एंड की थी। ठीक है, जो अंकल आए थे वही निमकी और ना मतलब लिट्टी लेके आए थे, उनको मतलब रास्ते के लिए दिया गया था घर से, तो वही उन्होंने निकाल दिया था। तो मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा तो बहुत सबको मतलब नाश्ते में दे देते हैं। तो यहाँ मैंने चूरा फ्राई किया था और चूरा फ्राई और चाय बना था। ठीक है, चाय और चूरा फ्राई चल रहा था नाश्ते में सबके लिए। तो यहाँ आए हुए हैं एक गेस्ट, पापा के मतलब मेरे पापा के फैमिली में ही कोई हैं, तो वो आए हुए हैं, उन्हीं के लिए नाश्ता निकाला जा रहा था। तो मैं इसको ना क्या कर रही थी, निमकी जो था ना मैं अपने चाय में डाल दी और उन लोग को मैंने नाश्ता दे दिया था। इसे ना ये मैं मतलब अच्छे तरीके से ये रह जाए, इसी की वजह से मैं इसे क्या कर रही थी प्लास्टिक में यहाँ पे फोल्ड करके रख दूंगी, ताकि परी ना जब खाने के लिए देना रहे तो परी को दे दूंगी। और यहाँ मैंने चाय में नीमकी डाल दी, मुझे चाय में नीमकी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मतलब नीमकी बनता है अगर मैं ज़्यादातर चाय में ही खाती हूँ, बहुत लोग को चाय में नीमकी पसंद रहता है तो मुझे भी बहुत पसंद है। उसके बाद मैं आ गई थी सांझ बत्ती देने के लिए। शाम के टाइम सबसे जरूरी रहता है घर में सांझ बत्ती देना। सांझ बत्ती के बाद भी हम लोग का रात होता है, जैसे कि सुबह का मतलब सुबह होता है पूजा पाठ के बाद हम लोग की दिन की शुरुआत हो जाती है, वैसे शाम के सांझ बत्ती हो जाता है घर में पूरे घर में। तो उसके बाद हम लोग का रात शाम रात सकते गाइस। इधर खाने की चलने लगी तैयारी, तो शाम के खाने रात के खाने की मतलब तैयारी हो रही है। तो रात में बनेगा आलू और पटल की सब्जी। आलू मुझे तो पटल बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी मुझे पटल नहीं अच्छा लगता, तो मैं यहाँ आलू पटल की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलू को सीजने के लिए चढ़ा दिया है, मतलब आलू को मतलब कुकर में ही सच चढ़ा दिया सीजने के लिए, क्योंकि आज आलू ना सीज आलू उबाल के बनेगा, क्योंकि कट करके तो हमेशा बनता है, जब कोई कोई गेस्ट आते हैं तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए, अच्छे तरीके से बनना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो इसी की वजह से आज मैंने सोचा कि आलू उबाल के ही बनाएंगे। और इधर मैं पटल उटल को ना छीलने लग गई, और उधर देख सकते हो मनी प्लांट ना अच्छे तरीके से लग चुका है, मनी प्लांट मतलब हरा हरा है एकदम। और अभी मैं ना शाम मतलब शाम जब धूप रहता है ना तो मैं इसको इस साइड कर देती हूँ किचन मतलब खिड़की के इस साइड, ताकि उसमें ना धूप ना लगे। और धूप लगेगा तो आजकल इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि फूल तो मुरझा ही जाएगा। अच्छा आदमी मुरझा जा रहा है तो ये फूल क्या है? ठीक है, तो इसी की वजह से मैं धूप में उधर उस साइड नहीं देती हूँ। जब अच्छा मौसम रहता है ना, जब हवा हवा चलता है तो मैं उसको उस साइड देती हूँ, ऐसे मैं इसको इस साइड ही रख देती हूँ, देख सकते हो। और अच्छे तरीके से इसमें ना मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब विकसित भी हो रहा है ये, अच्छा मतलब अच्छे तरीके से इसमें खिल भी रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मनी प्लांट मैं बहुत शौक से लगाई थी, और मैंने एक दो मनी प्लांट नहीं लगाया था, मतलब इसमें कम से कम 3 से 4 मनी प्लांट है, और 2 और मैंने शीशा वाला मतलब शीशा वाला बॉल में लगाया था, तो वो मैंने रूम में रखा है। और ये गमला वाला यहाँ रख दिया कि मतलब कभी गलती से काज कर रहता है ना तो डर रहता है कि फूट ना जाए, बच्चे उच्चे के घर में ना थोड़ा सा डर रहता है। ठीक है, तो तीन फ्लावर तीन मतलब मैंने यहाँ लगा के रख दिया है, एक उस साइड में रख दिया है, एक मनी प्लांट हो गया, एक सेमी का पेड़ हो गया जिसमें शनिवार को पानी देती है मम्मी। ठीक है, और उसके मैं सोची लगे हाथ मसाला भी निकाल ही लिया जाए, जब मैं काटने छाटने का काम करती हूँ तो एक ही बार काटने छाटने का सारा काम कर लेती हूँ। तो मैं सोची प्याज व्याज भी काट ही लेती हूँ, मसाला जो भी मैं मतलब मसाले में डालती हूँ, मैं ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ मसाला में, क्योंकि मतलब मीठापन थोड़ा सा सब्जी में हो जाता है, इसी की वजह से मैं कम ही प्याज डालती हूँ। तो मैं एक प्याज कट कर रही हूँ और इसमें भी मैं मसाला में भी डाल दूंगी, थोड़ा सा मतलब आधा से भी कम मैं सब्जी में भूंजने के टाइम प्याज डालती हूँ, ताकि उसका ग्रेवी जो होता है ना वो अच्छा बने। थोड़ा सा ग्रेवी ना मसाला से ही होता है, मतलब मसाला से ही नहीं प्याज से ही होता है, ठीक है, उसका ग्रेवी बनता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्याज मैंने साइड में रख लिया है कि जब सब्जी भून जाएगा ना उस टाइम देने के लिए। तो मेरा मसाला इधर निकल चुका है, मैं इसमें अब जीरा डालूंगी, गोलकी और मिर्ची और लहसुन। ठीक है, इतना सामान मैं डेली डालती हूँ डेली के सब्जी में, ज़्यादा हम लोग मसाला नहीं खाते हैं, मसाला तेल हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं गाइस। बाद इधर देख सकते हो पटल मेरा ना चढ़ चुका था, और एक तरफ आलू उबल चुका था, आलू मैंने चढ़ा दिया था उसी टाइम। तो उसके बाद उस टाइम से मेरा आलू 2 से 3 सीटी दिया, मेरा आलू हो चुका था। और उसके बाद मैं पटल को जल्दी जल्दी निकाल ले रही हूँ, इसमें आलू डाल दूंगी, मतलब आलू को भी मैं फ्राई करके ही बनाऊंगी, क्योंकि फ्राई करके अच्छा रहता है, सब्जी अच्छा लगता है।
पटल को निकाल लिया है गाइस। उसके बाद आलू मैंने चढ़ा दिया है, आलू मैंने गोटे गोटे ही डाल दिया था। उसके बाद ना छोलनी से ही मैं उसे कट करके के उसमें छोटा छोटा पीस कर लूंगी, और मतलब मुझे अलग से मतलब उसको तोड़ तोड़ के डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसमें ना छोलनी से बहुत अच्छे तरीके से कट भी हो जाता है, जैसे कि मतलब चाकू से कट होता है ना, वैसे छोलनी से भी कट हो जाता है अच्छे से। सब्जी में मैं टमाटर डालने के लिए टमाटर ले आई हूँ, टमाटर को अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने। तो दो टमाटर मैं सब्जी में डाली थी, ज्यादा नहीं डाली थी और कम भी नहीं डाली थी, एक नहीं डाली थी, दो सब्जी दो टमाटर इसलिए डाली थी, थोड़ा सा सब्जी भी ज्यादा था। तो मैं इसे इधर देख सकती हूँ, मसाला भी मेरा भून जा रहा है, जो मसाला मैंने पीसा था उसे भून रही हूँ। अब मसाला में मैं कुछ ना उल्टा मतलब उटांग पटांग नहीं डालती हूँ, मेरा सादा मसाला भून जाता है। मैं सादा मसाला ही मतलब जो मैंने बताया वही मसाला मेरे घर पिसा था वही मैं डालती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ सब्जी में। और फिर भी सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि मसाला अच्छे तरीके से भूंजोगे ना तो सब्जी टेस्टी बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद मम्मी ने बोला सलाद भी थोड़ा सा कट कर देने के लिए, तो मैं यहाँ प्याज खीरा टमाटर मिर्ची ले आई हूँ। अब मैं इन सब का सलाद काटूंगी, सलाद काट के एक प्लेट में करके रख दूंगी। अभी नींबू मैं सिर्फ ना नींबू अभी नींबू भी अभी नहीं डालूंगी, जब नमक डालूंगी ना उसी टाइम नींबू भी डाल दूंगी। राइस बाद में इसलिए डाला जाता है क्योंकि ना मतलब सलाद ना पानी नमक ना पहले ही पानी फेंक देता है, तो पानी फेंक देता है तो सलाद मतलब पूरा अच्छा नहीं होता, सलाद पूरा झिंगरा हुआ टाइप का हो जाता है। इसी की वजह से ना सलाद जब भी किसी को देने के लिए कट करे ना, तो जब देने लगे उसके 2 मिनट पहले आप नमक इसमें ऐड कर दो। और नींबू तो आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, नींबू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक आप पहले डाल के मत रखा करो, क्योंकि उसमें पानी छोड़ता है, पानी के छोड़ने के बाद मतलब सलाद अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नमक जब देने लगूंगी खाना तब उस टाइम डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। मैंने साइड में रख दिया, आप और छिलना और चाकू सब मैंने कट कर लिया। और ये देख सकते हो इसमें जो बर्तन पड़ा हुआ था, मैं सोचा इसको भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि बर्तन ना थोड़ा सा थोड़ा करके धोते रहो तो एक बार में बर्तन ज्यादा नहीं होता है। गाइस इधर मैं सलाद काट करके रख दी हूँ, और उसके बाद उस साइड कढ़ाई चढ़ा हुआ है, तो कढ़ाई मैंने नीचे ना चाय गिरा था वो वाला पोछना था, तो पोछ लिया मैंने नीचे मतलब गैस को थोड़ा साइड करके। उसके बाद उसमें ना आलू और पटल दोनों मैंने ऐड कर दिया। अब धीरे धीरे ये भून जाता रहेगा, देख सकते हो कितना मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, तो ज्यादा देर तक मैंने भूजा था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मसाला जब अच्छे तरीके से भून जाता है तो सब्जी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो सब्जी अच्छा बना था। और उसके बाद मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी और दूसरे साइड मैं पूरी छानूंगी, आज पूरी भी बनेगा, पूरी या सब्जी तो आटा मम्मी ने सान दिया था, मम्मी ने सान दिया था, तो मैं इधर पूरी बेलने में लग गई। तो पूरी जल्दी जल्दी मैं पूरी बेल लूंगी और पूरी छना जाएगा, और फिर अंकल लोग के लिए अभी नहीं छनाएगा, अंकल लोग के लिए गरम गरम छनाएगा, और ये हम लोग के लिए छना रहा है ताकि हम लोग पहले खा लेंगे और बाद में फिर गरम गरम अंकल लोग के लिए बनेगा, क्योंकि अंकल लोग अभी आए नहीं है मतलब बाहर गए हुए पापा और अंकल घूमने के लिए। तो मैं इधर पूरी छान छान के इधर कर ले रही हूँ कम्प्लीट पूरी, मतलब फिर मुझे परी ना करने नहीं देती है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, फिर रोने उने लगती है, इसी की वजह से पूरी थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना था, मतलब छोटा छोटा नहीं बनाई, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही बना था गाइस। तो यहाँ मैं पूरी को छान ले रही हूँ, और परी बाद में ना जब पता नहीं कोई ठिकाना नहीं रहता बच्चे कब रोने लगते हैं, बच्चे करने देंगे कि नहीं करने देंगे। और सारा पूरी ना खिला खिला बना था, अच्छा बना था, कड़ुआ के तेल में ही बना था, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे ब्लॉग अगर देखते हो तो आप लोग को पता है कि हम लोग का ज्यादातर सारा चीज मतलब कड़ुआ तेल में ही बनता है, रिफाइंड में कुछ भी नहीं बनता। तो गाइस सब लोग आ चुके हैं, तो अब पापा लोग के लिए भी कचौड़ी छना चुका है, एक तरफ गैस चढ़ा हुआ है, धीरे ताव मतलब ताव को कम किया हुआ है, गर्म गर्म कचौड़ी छन निकलेगा तो पापा के प्लेट में और अंकल के प्लेट में डलाएगा। इधर देख सकते हो अब मैं संधा नमक उसमें डाल दे रही हूँ, अभी मैंने संधा नमक का नया पैकेट मतलब फाड़ा है, अभी मैं उसे ना एक डिब्बा में करके रखूंगी। अभी मैंने उसे ऐसे ही रख दिया साइड में करके ताकि फ्री में होके करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मैंने भिंडी की भुंजिया डाली है, शाम के टाइम बना था भिंडी की भुंजिया, और एक तरफ आम का जो मतलब बना था ना गुरामा वो था, एक तरफ आलू पटल की सब्जी और मिठाई था और सलाद था और कचौड़ी था, ये था हम लोग का सादा खाना। हम लोग के घर में मीट मुर्गा ये सब चिकन उकेन नहीं चलता है, सादा खाना ही हम लोग के घर में बनता है, क्योंकि नहीं है ये सब ना मम्मी लोग नहीं खाती है इसलिए नहीं बनता है गाइस। तो सादा खाना ही हम लोग का 4 वैरायटी बन जाएगा, 4 आइटम बन जाएगा, लेकिन चिकन उकन नहीं चलता। मैं चली अब खाना देने के लिए, तो एक एक पीस मैंने मिठाई दिया था, और उसके बाद मैं सोची ना पहले मैं पानी लगाना भूल गई थी, तो मैं पहले पानी लगाने के लिए चली गई, पानी गिलास, उसके बाद फिर उसके बाद खाना लेके जाऊंगी। तो इधर अभी ना उसके बाद अब चाचा को ना 10 बजे रात में चाचा का ट्रेन था, तो अब चाचा निकलेंगे तो निकल तो जाते हैं चाचा, निकल ना क्या होता है चाचा का ट्रेन छूट जाता है, मतलब तो किसी गलती से छूट जाता है ट्रेन, तो उनको फिर से वापस आना पड़ जाता है रात में 1-2 बजे वापस आते हैं। तो अभी बातचीत चल रहा है पापा में और चाचा मम्मी तीनों मतलब बरंडा में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब निकलने का टाइम हो चुका है गाइस। तो परी को उन्होंने कुछ दिया और उसके बाद वो ना निकलने लगे, तो अब
मैं भी पैर छू ली थी, प्रणाम वनाम कर ली थी। देख सकते हो अब बाय बाय टाटा हो रहा है, सब लोग अब मतलब बाहर तक जाएंगे, पापा जाएंगे मतलब ऑटो धराने के लिए। तो परी देख सकते हो पापा का सबसे पहले हाथ पकड़ के पापा का चप्पल निकाल के देती है, और चप्पल निकाल के दे के बोलती है चलने के लिए नाना को। ठीक है, पापा को, पापा का चप्पल, मेरा चप्पल, मम्मी का चप्पल, सबका चप्पल उसको पता रहता है कि कौन सा किसका चप्पल। ठीक है, तो अब चले चाचा बाहर, तो बाहर की ओर हम लोग भी चले। तो मैं भी बाहर तक गई थी क्योंकि ऑटो देखते हैं कि ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी 9:30 बज रहा है, अभी 10 बजे ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो परी तो सबसे आगे, तो परी ही निकल गई, और देख सकते हो सबके साथ साथ मनानी के साथ साथ परी भी चली गई वहां तक ऑटो धराने के लिए। ठीक है, तो ऑटो धराने के लिए वहां जाके वहीं परी रह जाती है। तो बहुत देर तक मैं गेट पर खड़ा खड़ा उसका वेट करती हूँ। 10:30 बज चुका है, अब मैं जाऊंगी अपने रूम में, अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। और उसके देख सकते हो वहाँ ऑटो जल्दी ही मिल गया था, तुरंत मिल गया था। तो मम्मी ने गोदी में उठा लिया परी को, और वो सब बहुत रोने लगी। वो सोचे नाना भी जा रहे हैं, तो वो बहुत रोने लगी। तो फिर नाना उसको गोदी लेके जबरदस्ती आ गए थे अंदर। और उसके बाद मैं अपना बेड उड़ झाड़ ली थी, क्योंकि ना किचकिच हो जाता है ना कोई, मतलब जब परी ना बाहर अंदर करते रहती है तो रात में मैं बेड हमेशा झाड़ के सोती हूँ। तो हम लोग खाना पीना खा लिए हैं, तो पापा तक खा लिए थे उसी टाइम, मेरा भी हम लोग का भी खाना पीना चल गया। तो अब मैं बेड उड़ झाड़ लूंगी, उसके बाद हम लोग का सोने का टाइम हो रहा है, 10:30 बज चुका है गाइस। तो आज के ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो ना गाइस, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरी वीडियो देखनी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। बाय बाय।